प्रिय मित्रों, हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑर्गन है हमारे पूरे व्यक्तित्व में, और इसका जो पूरा संचालन है वो अपने आप से इस मस्तिष्क के अंदर होता है। अगर मस्तिष्क या दिमाग हमारे जीवन में ना हो तो हम समझ लीजिए एक वेजिटेबल के समान हो जाएंगे, और हम कुछ सोच नहीं सकेंगे, कुछ विचार नहीं कर सकेंगे, कुछ प्लान नहीं कर सकेंगे। यह हमारा मस्तिष्क ही है जो हमारे पूरे बॉडी का संचालन करता है। अगर मैं मस्तिष्क का कंप्यूटर के लैंग्वेज में इस्तेमाल करूं तो दो चीज़ें पाई जाती हैं इस मस्तिष्क में, वो है, एक है हार्डवेयर और एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उस चीज़ को कहते हैं, उस ऑर्गन को जो कहते हैं, जो शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से दिखाई देता है, जैसे मस्तिष्क पूरा ब्रेन, अगर आप उसका पिक्चर देख सकें, मेरे पास पिक्चर है लेकिन मैं इसमें तो आपको दिखा नहीं सकता, वो पिक्चर है जो एक अपने हथेली में आप रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, वो आपके सिर के अंदर, हमारे सिर के अंदर रहता है। तो वो तो हुआ जो मस्तिष्क भौतिक रूप से, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का मतलब जो दिखाई नहीं देता लेकिन वो काम करता है, वो सोचता है। अगर आप देखते हैं कंप्यूटर में क्या होते हैं, दो चीज़ें होती हैं, एक तो सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, वो कंप्यूटर है आपका, फ्लॉपी है या USB है, माउस है, और सब कुछ ये जो दिखाई देता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर, वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे कंप्यूटर को संचालित करता है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो दिमाग है वो हार्डवेयर हो गया, जैसे मैंने आपसे कहा, और जो सोचने की सामर्थ्य है, समझने की शक्ति है, प्लानिंग की जो है, जो विचारधारा जो निकलती है उसमें से, उसे हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर। तो दिमाग अपने आप में जो भौतिक रूप से, वो तो हार्डवेयर हो गया, लेकिन उसकी जो सोचने की सामर्थ्य है वो सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं। और सॉफ्टवेयर के बिना आप जानते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब नहीं है कंप्यूटर का अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। चाहे आपके पास कितना भी अच्छे से अच्छा कंप्यूटर क्यों ना हो, वो बेकार हो जाएगा अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मेरे मित्रों, जब हम दिमाग की बात करते हैं, माइंड और मस्तिष्क की बात करते हैं, तो दो चीज़ें, एक तो दिमाग हो गया और एक माइंड, माइंड के बारे में जो सोचने की सामर्थ्य रखता है और उसी से हमारा पूरा संचालन होता है। मैं आपको बताना मांगता हूँ दोस्तों कि ये जो दिमाग है, ये परमेश्वर का एक बहुत, एक जिसे कह सकते हैं एक वरदान है। अभी आप सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, आपके कानों में वो आवाज़ जा रही है, और फिर वो दिमाग से कनेक्ट होकर के आपके दिमाग में खचर पचर, इधर उधर न्यूरॉन्स जो है काम करते हैं, और आपको अच्छी तरह समझ में आता है कि मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, है ना। और हमारे पूरे शरीर का संचालन इस प्रकार से करता है, हम जो देखते हैं, हम जो सुनते हैं, हमारा दिमाग हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इधर जाओ, उधर जाओ, ये डिसाइड करो, वो प्लान करो। कहने का मतलब ये है कि हमारा पूरा मस्तिष्क जो है वो केंद्र बिंदु है, संचालन करता है पूरे बॉडी का, पूरे शरीर का, पूरे व्यक्तित्व का। आप प्लान करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, कल्पनाएं करते हैं, है ना। अगर आपसे मैं बोलूं कि भाई आप जलेबी के बारे में सोचिए, तो आपका जो दिमाग है, जो हार्डवेयर है, उसके अंदर जो सोचने की जो सामर्थ है, वो आप जलेबी के बारे में सोचेगा, ठीक है। और आप जलेबी के बारे में सोच रहे हैं तो ज़रूर आप देख रहे हैं वो जो बनाने वाला होटल में, वो गोल गोल अपने कपड़े से घुमा रहा है और डाल रहा है। आप अपने दिमाग में उसकी कल्पना कर रहे हैं कि जलेबी बन रहा है, और आपको वो येलो येलो सा कलर भी दिखाई दे रहा होगा, और शायद मिठास का कुछ अनुभव भी आ रहा होगा, लेकिन जलेबी है नहीं वहाँ, है जलेबी है ही नहीं, भौतिक रूप से जलेबी नहीं, लेकिन
काल्पनिक रूप में, कल्पनाओं में आप जलेबी देख रहे हैं और उसको खा भी रहे हैं। हम कल्पनाएं करते, ये क्या है? ये हमारा दिमाग का एक बहुत अभिन्न अंग है जिसको हम पूरी रीति से नहीं समझ सकते हैं। साइंटिस्ट आजकल जो है वो हर प्रकार की चीज़ों का अवलोकन करते हैं, हमारे शरीर का, आँख का, कान का, दिल का, किडनी का, पूरे जॉइंट्स का, अरे साहब हर चीज़ का, लेकिन मस्तिष्क को पूरी रीति से वो नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकता? क्योंकि साहब वो मस्तिष्क ही इस्तेमाल कर रहा है मस्तिष्क को समझने के लिए, तो वो उसको पूरी रीति से नहीं समझ सकता। लेकिन आज जो मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ, विचारधारा, विचारधारा, हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या बातें आती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज़रूर जानते होंगे कि हमारा जो पूरा मस्तिष्क है ट्रिलियन ट्रिलियन खरबों खरबों न्यूरॉन से भरा पड़ा है। जी हाँ, और ये न्यूरॉन्स ही हैं जो हमारे सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ ले जाते हैं। आप जैसे कि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो वो एक न्यूरॉन फायर करके, इलेक्ट्रोकेमिकल फायरिंग करके दूसरे न्यूरॉन की ओर पहुंचाता है, और ये इतनी जल्दी होता है कि आप जैसे ही मेरी आवाज़ सुनते हैं आप समझ जाते हैं। इसको हम बोलते हैं कि हमारा दिमाग जो है, जो प्रकाश की जो गति है 186,000 माइल्स पर सेकेंड के हिसाब से ये हमारा दिमाग काम करता है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इतने अच्छे वरदान के लिए जो परमेश्वर आपको और मुझको दिया है। हम इसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं मेरे दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। आइए आज इसका मैं पहला भाग आपके सामने रखूँगा, पार्ट वन, फिर पार्ट टू भी इसी का आप ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा गंभीर विषय है और आप इसके बारे में सोच करके परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आप इसको समझ सकेंगे, मेरी ऐसी आशा है। तो हमने देखा कि जो दिमाग है वो मस्तिष्क जो है वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है विचारों के बारे में? आप विचार करते हैं, मैं विचार करता हूँ, है कि नहीं? हम प्लान करते हैं, हम सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं, है ना? हमारा पूरा जो व्यक्तित्व है उसी दिमाग के ऊपर निर्भर रहता है। जब हम विचारधाराओं की बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो परमेश्वर का विचार और हमारे विचार में बहुत फर्क है। जी हाँ, परमेश्वर का विचार और हमारे विचार में क्या है? जमीन और आसमान का फर्क है मेरे दोस्तों। मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर का वचन, यशाया उसका 55 अध्याय, Isaiah 55, यशाया 55 अध्याय और उसका 8 और 9 पद आप जरूर सुनिए ध्यान से। क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। बहुत साफ रीति से मेरे दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का जो विचार है वो अनंत वाला है। परमेश्वर अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है। हम तो भैया क्या है, है? थोड़े समय के लिए, क्षण भर के लिए समझ लीजिए, 60, 70, 80, 90 साल, 100 साल हो गया, उसके बाद हम निकल जाएंगे, चले जाएंगे, मौत आएगी, लेकिन ऑफकोर्स मौत के बाद परमेश्वर के सामने हम खड़े होंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन हमारे जो विचार हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, क्षणिक है, जैसे हम कहेंगे। परमेश्वर के विचार की तुलना में उसके विचार पवित्र हैं, और वो जो सोचता है वो अनंत काल की दृष्टिकोण से सोचता है। अब अगर आप मैं परमेश्वर का वचन पढ़ें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है विचारों के बारे में, परमेश्वर के विचार और हमारे विचारों में। एक पद आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगा और वो है पहला इतिहास
28 और 9, पहला इतिहास और उसका 28वां अध्याय और 9 पद, देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीवन से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि जो यहोवा जो मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। सो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान जो एक राजा था, उसको परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पिता के परमेश्वर का क्या रख, ज्ञान रख, खरे मन और प्रसन्न जीवन से उसकी क्या कर, सेवा कर, क्योंकि यहोवा क्या करता है, मन को जांचता और जो विचार जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है उसे वो समझता है। सो मेरे मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि आप और मैं अपने विचारों में क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या बात आती है, ये बहुत ज़रूरी है। हम इस बात को देखें कि जो विचार आते हैं क्या वे अच्छे विचार हैं। अच्छे विचार भी आ सकते हैं, गंदे विचार भी आ सकते हैं, बुरे विचार भी आ सकते हैं। आतंकवादी के मनो में क्या विचार आता है, आप क्या सोचते हैं? अच्छे विचार तो मैं नहीं सोचता हूँ कि उसके मन में आता है, वो यही सोचता है भाई अपने अंधेरे कमरे में या कहीं सीक्रेट चैम्बर में बैठ करके किस प्रकार से बम बना जाए, कहाँ पर बम फेंका जाए, कितने लोगों की हत्या हो जाए, वो इसी विचार में रहता है। ये कहाँ से आ रहा है, ये उसके अपने मन के विचार है मेरे दोस्तों। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये ईविल है, ये पाप से संबंधित है, पाप में गढ़ा हुआ है वो। कभी कभी धोखा देने का विचार आता है, आता है कि नहीं? मेरे साथ तो कई बार हुआ, हम मनुष्य हैं तो कभी धोखे देने की बात आती है, झूठ बोलने का विचार आता है, झूठ, चिंता का विचार आता है, गंदे विचार, अच्छे विचार भी आ सकते हैं। अच्छे विचार मतलब, अरे भाई अगर कोई आदमी सड़क पार कर रहा है और वो बूढ़ा व्यक्ति है, वृद्ध है, तो विचार क्या आएगा, जाओ भाई उसकी सहायता करो, देखो कैसे कहीं गिर ना जाए, विचार आया। और आप जा करके, पहले विचार आता है फिर आप जा करके उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता करते हैं। लेकिन आप सोचे, अरे जाने दे उसको, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, ये फिर गलत विचार है। सुनिए, आप क्या अपने मन में सोचते हैं, मैं अपने मन में, हम मनुष्य अपने मन में क्या विचार करते हैं। मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा पद पढ़ूंगा जो कि हमारे दिमाग के बात को बिल्कुल परमेश्वर का वचन सटीक रूप से कहता है। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय और 5वां पद, क्या लिखा हुआ है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही होता है। देखिए यहाँ पर बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है दोस्तों कि मन के विचार में जो उत्पन्न होता है, कल्पनाएं जो होती हैं हमारे मन में, वो बुरा ही होता है। अगर एक उदाहरण के रूप में, अगर एक सुंदर सी लड़की सामने से निकलती है, क्या विचार आता है, व्यभिचार का विचार आता है, या ऐसा विचार आता है, अरे नहीं वो बहुत अच्छी लड़की है, परमेश्वर सुंदर ज़रूर है लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे सुंदर व्यक्तियों के लिए, या ये वाला विचार आता। मैं बहुत प्रैक्टिकल रूप से मेरे दोस्तों आपके सामने बात ला रहा हूँ। हमारे विचारों का पूरा लेखा जोखा होगा, है ना, ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। आपके मेरे विचार भ्रष्ट हो गए हैं मेरे दोस्तों, पाप में हो गए हैं, और इसीलिए जनरली बुरा विचार, ईविल थॉट्स हमारे जीवन में आते हैं। तो सॉफ्टवेयर में कहीं गड़बड़ है, सॉफ्टवेयर में कहीं गड़बड़ है,
और गड़बड़ ये है क्योंकि वो जो विचार है, जो स्वभाव है हमारा पापी स्वभाव, उसी की वजह से साहब ये विचार, उल्टे सीधे विचार आते हैं, क्या है ना। और एक जगह पे और लिखा हुआ है नीति वचन उसका 23:7, नीति वचन 23:7 क्या लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति नीति वचन उसका 23:7 यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वह मतलब मनुष्य, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो आप है, वैसा ही वो आप है। एक मछुआरा किसके बारे में विचार करता होगा, मछलियों के बारे में। एक जूता बनाने वाला किसके बारे में विचार करता है, जूतों के बारे में, कि मेरे पास जूते आ जाए और ताकि मैं खूब बनाऊं। मछली जो मछुआरा होता है वो स्वप्न में भी उसको मछली दिखाई देता है ना, क्योंकि उसका विचारधारा ही ऐसी है। एक आतंकवादी के मन में क्या विचारधारा आती है, भाई साहब कैसे मारे। एक भले मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य के विचार में क्या आता है, अरे साहब कैसे मैं किसकी सहायता करूं, किसका मैं भला कर सकूं। कोई अगर आता है पैसे उधार के लिए, हाँ भाई जरूर मैं आपको दूंगा, वो भला व्यक्ति है ना, धर्मी व्यक्ति है, उसका विचार पवित्र है, गंदे विचार नहीं आएंगे उसमें, है ना। तो आपके विचारों से, हमारे विचारों से ही हमारे व्यक्तित्व के बारे में पता पड़ता है कि मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्योंकि लिखा हुआ है जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वो है ना। हम दिखाने के लिए दूसरों को ज़रूर कुछ बोलें लेकिन मन में शायद कुछ और बात हो। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यर्मिया उसका 17:9 क्या लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। लो साहब, जैसे फिल्मी जबान में कहते हैं ना, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, बस वही बात है साहब। यर्मिया 17:9 में यही लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। फिर 10वें पद में लिखा हुआ है, मैं यहोवा मन को खोजता, हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक मनुष्य को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दे सकूँ। सो मेरे दोस्तों, हमारा जो सॉफ्टवेयर है, हमारा जो मन है वो कैसा है, हमारी प्लानिंग, हमारे डिज़ायर्स, हमारी इच्छाएं, हमारे भावनाएं, हमारा मोटिव्स, हमारा एसोसिएशंस, हमारी कल्पनाएं, हमारे अंदर की जो प्रॉम्प्टिंग है, जो अंदर की, जो अंदर से जो बात निकलती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों, है ना भाई। ऐसा है, पेड़ का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, जड़ होता है ना। जड़ ही से उस पेड़ को क्या मिलता है, भोजन मिलता है, जड़ ही से उसको डीएनए का पता होता है, जड़, रूट। तो जब, और वो जड़ जो है अंदर ही रहता है, वो बाहर दिखाई दे नहीं देता। विचार भी कुछ इसी प्रकार से, क्या हमारा विचार पवित्र आत्मा से ओतप्रोत है, हमारा प्लानिंग किस प्रकार का, हमारा सोचने का तरीका क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, हमारी मेमोरीज क्या है, हमारी यादगारी क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हमारा हृदय क्या है, हमारा अंदर का व्यक्तित्व क्या है। मेरे दोस्तों, यही मैं बात कर रहा हूँ मन के बारे में। आज अपने आप को इस बात को सोचे कि मेरा मन क्या सोचता है, क्या करता है। एक बहुत अच्छा, किसी ने, परमेश्वर के दास ने कहा कि कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, चरित्रवान की जो चरित्र की डेफिनेशन या परिभाषा किस प्रकार से की जा सकती है। हम बोलते हैं ना कि यार वो ही इज़ अ मैन ऑफ कैरेक्टर, कहने का मतलब वो अच्छा, उसका चरित्र अच्छा। दूसरा का बोलेंगे अरे उसका चरित्र ठीक नहीं है। तो चरित्र की परिभाषा क्या है, एक परमेश्वर के जन ने बहुत अच्छा दिया था कि चरित्र की परिभाषा ये है
कि हु यू आर इन डार्क, आप और मैं अंधेरे में कौन है। अंधेरे में का मतलब हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं, वहां पूरा अंधेरा है, हमारा पूरा दिमाग क्या है, ढका हुआ है, और उस ढके हुए दिमाग के अंदर से जो विचारधाराएं निकलती हैं वो क्या सोचते हैं, वही बताता है कि हमारा चरित्र क्या होगा, हम क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं, है ना। बाहर से तो हम बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, अंदर से क्या वही प्रेज द लॉर्ड है, अंदर से हम शायद कुछ और सोचें, हो सकता है ऐसा, क्योंकि मन सबसे अधिक धोखेबाज है मेरे दोस्तों, और इसमें असाध्य लगा हुआ है हमारा। और ये जो सोच विचार जो है ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अच्छा रिलेशनशिप, बुरा रिलेशनशिप, परिवार के साथ संबंध, व्यक्तित्व, कई प्रकार के एक दूसरे के साथ हमारा नोक झोंक, है ना, अपने आप के बारे में कम सोचना, अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचना, लो सेल्फ इमेज, पुअर सेल्फ इमेज, गुड सेल्फ इमेज, ये सब ये हमारे विचारधारा ही से आती है। और लिखा हुआ है कि अगर हमारा विचार बुरा होगा तो इसका हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ता है। जी हाँ, इसको हम बोलते हैं साइकोसोमेटिक, कहने का मतलब अगर हमारी विचारधारा गलत है, ईवल है, तो उसका हमारे बॉडी में भी असर पड़ता है। जी हाँ, एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, इस प्रकार से लिखा है मेरी हार्ट मेक्स द बोन फैट स्ट्रॉन्ग। एक खुश दिल वाला, मिजाज वाला व्यक्ति, खुश वाला व्यक्ति वो उसके हेल्थ को बनाता है, है ना। सो हम देखते हैं ये हमारे हर चीज़ में ये विचार जो है कार्य करता है। और इस हमारे विचार में एक प्रकार का प्रतिद्वंद है, एक प्रकार का प्रतिद्वंद होता है, एक प्रकार की लड़ाई पाई जाती है, और वो लड़ाई है अंदर की एक पवित्र विचार के बीच में और एक बुरे विचार के बीच में। द बैटल इज इन आवर माइंड, हमारे अंदर वो दो प्रकार के जो फोर्सेस हैं ये होता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा कुरंथियों उसका 4:4, दूसरा कुरंथियों उसका 4:4, क्या लिखा हुआ, और उन विश्वासियों के लिए, मैं तीसरा पद से भी पढ़ूंगा ताकि ये हमारे संदर्भ में रहे, कॉन्टेक्स्ट में रहे। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों के लिए पड़ा है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है, अंधी कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। देखिए हमारे मन के अंदर जो पर्दा डला है वो हमें अच्छी बातें सोचने के लिए उकसाता नहीं है, बुरी बातों सोचने के लिए उकसाता है। यस, और इसीलिए बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है कि हमारा ये मलयुद्ध जो है ये एक प्रकार का अंदर ही अंदर होता है। आपने देखा होगा कई बार, मैंने देखा कई बार, कभी कभी मैं भी करता हूँ, एक व्यक्ति चुपचाप बैठा है और वो अपने आप से ही बातें कर रहा है, कोई आसपास नहीं है। कभी आपके साथ हुआ ऐसा? भाई मेरे साथ तो हुआ, कोई नहीं है आसपास, अपने आप से ही बात कर रहा है, वो हाथ हिला रहा है, सिर हिला रहा है, और कभी कभी आवाज़ भी दे रहा है। क्या हो रहा है? अपने दिमाग के अंदर उसकी जो गिरारी है जो गियर्स हैं वो चल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं, नहीं मैं उसको, अरे नहीं, अपने आप ही में बात कर रहा हूँ अंदर दिमाग में। जी हाँ, वो एक दूसरे के विरोध में विचारधाराओं का टकराव जिसे हम कहते हैं मेरे दोस्तों, वो वहाँ पर हो रहा है। इमेजिनेशन, कल्पनाएं, जी हाँ, हमारी जो दिमाग है वो इज बैटल फील्ड ऑफ द माइंड, है ना, विचारों का एक संघर्ष जिसे हम कहते हैं। अगर आप चेस
जानते हैं चेस खेलना, चेस में क्या है, दिमाग की बात है साहब। जो चेस की जो बोटियां बोटियां नहीं गोटियां जो हैं वो उस उसके ऊपर रखी हैं, लेकिन जो गेम जो चल रहा है वो कहाँ चल रहा है, दिमाग के अंदर। दूसरा व्यक्ति भी जिसके साथ आप चेस खेल रहे हैं उसके दिमाग के अंदर भी वही चेस गेम चल रहा है और मेरे दिमाग के अंदर भी चल रहा है, पूरा जो गेम चल रहा है वो दिमाग का है। उसी प्रकार से आपके और मेरे दिमाग में ये चलता है, और मेरे दोस्तों इसको हमें बदलने की ज़रूरत है, विचारधाराओं को बदलने की ज़रूरत है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा कुरंथियों उसका 10:5, दूसरा कुरंथियों उसका 10:5, क्या लिखा हुआ है, सो हम कल्पनाओं को, मेरे ख्याल में मैं फिर से तीसरे पद से पढ़ूंगा, 3-5, दूसरा कुरंथियों 10:3-5, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को, हर एक विचारों को, हर एक इमोशंस को, हर एक बातों को कैद में करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सो मेरे दोस्तों, हम देखते हैं यहाँ पर कि ये मल युद्ध हमारे अंदर चलता है, दिमाग। आपका दिमाग कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, मेरे विचार कैसे, हमारे विचार कैसे हैं, यहीं से सब बातें निकलती। क्या हमारे विचार पवित्र हैं, परमेश्वर को भावता हुआ विचार है, ये प्रश्न है मेरे दोस्त। आप क्या सोचते, दिन भर हम क्या सोचते हैं, दिन भर हम कुछ न कुछ डिसीजन लेते ही रहते हैं, कुछ न कुछ डिसीजन, छोटे हो बड़े हो, कुछ डिसीजन के लिए शायद हम सोचते रहते हैं कि यार ऐसा होगा तो ऐसा करूंगा। इफिसियों उसका 6 मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इफिसियों उसका 6 और उसका 11-12 आपके लिए पढ़ूंगा, 6:11-12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लोगों से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बिल्कुल साफ रीति से कह रहा है मेरे दोस्तों परमेश्वर का वचन कि ये हमारे दिमाग में ये जो हलचल और पापी स्वभाव और ये अभिलाषाएं और भावनाएं जो गलत हैं परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो हमारे दिमाग में होता है ना। और इसीलिए यहाँ पर ये मल युद्ध है, हमारा दिमाग क्या है, एक प्रकार का युद्ध का क्षेत्र है और इसमें हमें लड़ना है। सो मेरे दोस्तों, हमारा और आपका दिमाग कैसा है, क्या परमेश्वर के वचन के आधार पर है, क्या हमारा विचार पवित्र है, क्योंकि लिखा हुआ है ना, जैसे मैंने आपके सामने पढ़ा, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो आप है। आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूं रात के अंधेरे में, मैं क्या सोचता हूं रात के अंधेरे में, हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में कौन सी कल्पनाएं जाती हैं, हम उसको हाथ से नहीं रोक सकते क्योंकि वो दिखती नहीं है, कल्पनाएं कभी दिखती नहीं, लेकिन है साहब, वही जलेबी वाली बात, जलेबी की कल्पना तो हमने कर ली लेकिन हम उसको पकड़ के खा नहीं सकते हैं क्योंकि वो भौतिक रूप से नहीं है, ये हमारे कल्पनाओं में हमारे विचारों में घूमती रहती है, वो हमें नाश करेगी या हमें अच्छा बनाएगी, क्योंकि जैसा मनुष्य है सोचता है वैसा ही वो है। अगर आपके और हमारे दिमाग में पवित्र बातें आती हैं, भली बातें आती हैं, तो हम वैसे ही रहेंगे,
यदि हमारे दिमाग में उल्टी सीधी बातें, बुरी बातें, परमेश्वर के वचन के खिलाफ की बातें, बुरी कल्पनाएं आती हैं, साफ वैसे ही हमारा जीवन रहेगा, बिल्कुल साफ रीति से लिखा गया है। सो मेरे पास इस पहले एपिसोड में पूरा करने के लिए टाइम तो नहीं, लेकिन एक दो पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि यदि हमें अपने माइंड को बदलना है तो परमेश्वर के वचन की ओर क्या करना है, ध्यान देना है, ध्यान देना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इसको बदलने के लिए हमारे मन को पूरा नया करना है, रिन्यूइंग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा जब गंदा होता तो क्या करते हैं, साबुन, है ना, साबुन से धोते हैं और फिर उसके बाद धो करके सुखाते हैं, साफ हो जाता है, है ना। लेकिन जब दिमाग गंदा है, विचार गंदे हैं, साहब कौन सा साबुन इस्तेमाल करेंगे, कोई साबुन इस्तेमाल नहीं आएगा। लेकिन कुछ साबुन है जिसके बारे में बताऊंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमियो उसका 12वां अध्याय और उसका दूसरा पद और पहले पद से पढ़ूंगा, पहला और दो पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारे सोचने विचारने के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सो मेरे मित्रों, आज हमने देखा कि हमारा जो दिमाग है वो परमेश्वर का गिफ्ट है, मस्तिष्क जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो परमेश्वर का गिफ्ट है, आपके और मेरे जीवन के लिए बहुत अभिन्न अंग है ये। अगर दिमाग नहीं होगा, मस्तिष्क नहीं होगा तो हम वेजिटेबल हो जाएंगे, हम प्लान नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, कल्पनाएं नहीं कर पाएंगे, है ना। और फिर हम देखते हैं कि हमारे विचार में और परमेश्वर के विचार में जमीन आसमान का फर्क है, वो पवित्र परमेश्वर है, हमारा पापी कल्पना वाली शक्ति है, हम जनरली बुरा ही सोचते हैं। हमने तो आपके सामने पढ़ा परमेश्वर का वचन है कि नहीं, कभी कभी अच्छा भी सोचते होंगे, ज़रूर है, लेकिन जनरली मैं एक बात बता रहा हूँ, बुरी बातें जरूर एकदम से आ जाती हैं। तो जैसा लिखा है कि जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसे ही हम हैं। सो हमें इस मन को क्या करना है, नया करना है, बुद्धि को नया करना है, उसको साफ करना है। और वो कैसे करेंगे साहब, परमेश्वर के सामने अपने आप को दे दे, प्रभु मैं तेरे सामने अपने पूरे व्यक्तित्व को, अपने मन को तेरे सामने रखता हूँ, मेरे सोचने समझने की सामर्थ्य को प्रभु जी पवित्र कर, तुझको मैं अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। और जब हम इस प्रकार से करेंगे तो हमारी बुद्धि नहीं हो जाएगी, हमारे सोच नहीं हो जाएंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है, नया विचार है, नई कल्पनाएं हैं, पवित्र बातें हैं, पुरानी बातें जाती रहती हैं। लेकिन हम दूसरे भाग में जरूर और स्पेसिफिक चीज़ें बताएंगे कि और कैसे हम अपने मन को, अपने विचारों को, मस्तिष्क को साफ करें, नया करते चले जाएं, जिससे हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा पात्र बन सके, एक अच्छा व्यक्तित्व बन सके, जिससे कि परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए। आमीन।